लोकतंत्र के महायज्ञ में आहुति देने के लिए बुधवार सुबह से ही शहरवासियों में उत्साह रहा। मतदान केंद्रों पर लाइन लगी रही। इधर भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव सुबह करीब 7:30 बजे जूनी इंदौर स्थित प्राचीन गणेश मंदिर में पत्नी जूही और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ दर्शन करने पहुंचे। इसके बाद भार्गव ने भगवान रणजीत हनुमान के दर्शन किए और 9:45 बजे मतदान किया। वहीं जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने भी परिवार के साथ सुबह 8:00 बजे मतदान किया। उधर शहर के कुछ वार्डों में ईवीएम खराब होने की सूचना है। इसके चलते वार्ड 17 के बूथ क्रमांक 471, वार्ड 80 के बूथ क्रमांक 290 में मतदान 20 मिनट देरी से शुरू हुआ। चंदन नगर वार्ड 2 भाग क्रमांक 13 में एक मशीन में खराबी आने से वोट डालने में देरी हुई। सुदामा नगर में कई लोगों ने वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने की शिकायत की। हालांकि इसके बाद भी लोगों में वोट डालने को लेकर जबरदस्त उत्साह का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पहले 2 घंटे में 25% वोटिंग हुई। इधर मतदान के बाद पुष्यमित्र भार्गव ने मीडिया से चर्चा करते हुए ऐतिहासिक दिन पर ऐतिहासिक मतदान होने की बात कही। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। एक नागरिक के रूप में जो मेरी जिम्मेदारी है मैंने उसका निर्वहन किया है। शहर के नागरिक के रूप में मेरे पूरे परिवार ने एक साथ मतदान किया है और वैसे भी हमेशा मैं इसको उत्सव की तरह मनाता हूँ। आज मेरे लिए थोड़ा बड़ा उत्सव है। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के विकास का मॉडल और विष्णु दत्त शर्मा जी के नेतृत्व में संगठन के एक एक कार्यकर्ता ने जो अपना प्रण प्राण से जुटे हैं उसके आधार पर जीत सुनिश्चित है। मतदाताओं से मैं वही अपील करूंगा जो मैं पिछले 16 दिन से लगातार कर रहा हूं। ये इंदौर के भविष्य का चुनाव है और इंदौर की जनता जागरूक है, समझदार है। वो जानती है कि इंदौर का भविष्य किसने काम किया है और आगे कौन काम करेगा उसी को वो चुनेगी। थैंक यू।